हाँ यहाँ कदम कदम आप हो जाओगे बेहाल, क्योंकि अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको मॉल में बिना गर्लफ्रेंड के साथ घूमना बहुत ही। मैं तो ऊपर में कुछ कैंटीन में खाने के लिए आया था, लेकिन मम्मी की चप्पल और लड़की की खूबसूरती पे कभी शक नहीं करना है, कभी भी किसी की बैंड बजा दे। A few moments later. Hey guys, welcome back to my new vlog. और आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज अपन चल रहे हैं ग्वालियर। तो भैया फुल प्रैंक करने वाले हैं आज अपन, झकास वाले, और डायरेक्ट ग्वालियर शूट करेंगे। अभी ट्रेन आने वाली है अपनी, तो भैया अपनी ट्रेन आ चुकी है और अब इसमें जाएंगे बिना टिकट के। तो भैया ट्रेन आ चुकी है अपनी, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पागल हुआ ट्रेन अपने साथ चली। तो भैया ट्रेन में बहुत भीड़। तो भैया सीट मिल चुकी है मुझे भी और इसे भी। का ये टीटीआर दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत ना है। तो भैया 50 किलोमीटर अरे नहीं भाई तय करने के बाद अपनी मंजिल ग्वालियर हम आ चुके हैं। उधर या 50 किलोमीटर तय करके आए हैं भाई। मेरे को लगा है बहुत जोर से सूसू, तो मैं जा रहा हूँ 100 करोड़ के टॉयलेट में मूतने के लिए। ये फंस गया सीएम, सामने ही है। तो भैया हम अपने आ चुके हैं 100 करोड़ के टॉयलेट में सूसू करने के लिए। यहाँ की टॉयलेट है मॉल में बिना गर्लफ्रेंड के साथ घूमना बहुत ही। बेकार है यार। ये देखिए ये क्या बात है, क्या तरीके से सजाया हुआ है। तो भैया अभी अपन ऊपर चल रहे हैं कुछ कैंटीन में खाने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एकदम झकास तरीके से। मैं तो ऊपर में कुछ कैंटीन में खाने के लिए आया था, लेकिन क्यूट लड़कियां देख के कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। मॉल की लिफ्ट में घूमते हैं, इधर की लिफ्ट बहुत ज्यादा शानदार है, जहाँ पर मैं पहले काफी प्रैंक किया करता था। और ये अपनी लिफ्ट आ चुकी है। इधर लिफ्ट में पहले हम काफी ज्यादा प्रैंक करते थे, लेकिन क्या है अब ट्रेंड भी खत्म और प्रैंक भी खत्म। तो गाइस पूरा मॉल घूम चुके हैं, अब अपन चलते हैं मॉल से बाहर। तो गाइस मॉल में घूमने का मजा ही कुछ अलग है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो भैया हम अपनी कलाकारी दिखाने जा रहे हैं सामने की तरफ। तो भैया अभी अपन आ चुके हैं लक्ष्मीबाई पार्क में। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये लक्ष्मीबाई का पार्क कैसा लगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। देखिए है जू, चिड़ियाघर, इसके लिए अपन अलग से ब्लॉग बनाएंगे मम्मी से पैसे लेके आके। तो भैया बिना गर्लफ्रेंड के इटालियन में घूमना एकदम फर्जीवाड़ा है। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। आप हो जाओगे बेहाल क्योंकि अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको बेजा ताल। या आपको ये ताल बेजा ताल कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चुरा के दिल मेरा तो क्या बोलती मेरी पब्लिक। अभी हम आ चुके हैं डीडी मॉल। अभी आपको डीडी मॉल दिखाते हैं पूरा का पूरा। खो गई तू ये किस जहां में तो भैया अंदर ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर फंक्शन चल रहा था। इसमें वजह से साउंड बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा म्यूजिक लाउड हो रहा था। तो क्या बोलती पब्लिक, मम्मी की चप्पल और लड़की की खूबसूरती पर कभी शक नहीं करना है। कभी भी किसी की बैंड बजा दें, कोई भरोसा नहीं। क्या बोला तूने? मम्मी की चप्पल और पहले फैसला कर ले। लड़की की खूबसूरती पर कभी शक नहीं करना है। कभी भी किसी की बैंड बजा दें, कोई भरोसा नहीं। तो भैया इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को, तो मैंने तो हुडी भी डाल दी है, शर्ट भी है, टी शर्ट भी है, इनर भी है, एक और भी अंदर अंदर है, यानी कि 4-5 कपड़े पहन लिए हैं। तो भैया बाहर से कुछ नहीं लाते हम। बाहर का खाना बहुत ही नहीं अच्छा तो रहता है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भैया ये रही मिर्च और ये रोटी मस्त खा के और घर को निकलते हैं। वैसे आए थे, मम्मी ने बना के रख दी थी रोटी, पराठे की बोल रही थी लेकिन पराठे मना कर दिए थे हमने। और वो देख सकते हो मतलब मेरे पीछे है ट्रेन, लेकिन चेकिंग बहुत ज़्यादा है। अभी हम उस तरफ खड़े हुए थे, वहाँ पे टीटी आ रहा था, टीटी चेक कर रहा था। इस पर तो MST लगी है, कॉलेज वॉलेज ज़्यादा रहता है। मैं MST वाला टिकट विकट बहुत ही कम लेता हूँ। क्या छोटे मोटे पैसेंजर ट्रेन के लिए भी टिकट लो। अब भी ये ट्रेन चलने वाली है और इधर ये भाई लोग खड़े हैं। तो सीट पूरी ट्रेन खाली है, पूरी, कहीं पे भी बैठ जाओ। कहाँ बल्ले? अरे भाई ये देखो जी इधर बैठ गया है। अब मैं पेट पूजा कर रहा हूँ। ओके बोल रहे हैं इनको कहीं देखा है तो जरूर वीडियो में देखा होगा। तो भैया हम आ चुके हैं वापस अपने शहर। अगर आपको कौन सा रिएक्शन अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अपन किसी मज़ेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक इट।